हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज साथ ही आप लोग देख रहे हैं जो ये क्लास, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस की लास्ट क्लासेस में मैं यहाँ तक आ गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने साथ ही आप लोगों को बता दिया था। और इस वीडियो लेक्चर में आज आप लोग साथियों देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पेन और कॉपी निकाल लें और बैठ जाएं लिखने पढ़ने के लिए साथियों। और एक बात याद रखें साथियों कि ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देखें। जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं साथियों, उनको आप पूरा देखें। और यदि कोई कहीं पर दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और साथियों एक और मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो यदि कोई भी कैंडिडेट यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय पर जितना भी मैं वीडियो डालता हूं उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है साथियों, तो देखिए आप, मैं सीधे टॉपिक पर आ रहा हूं, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैं बताने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लीजिए साथियों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर में साथियों क्या है इसमें, इसका सबसे पहले तो मैं पहचान बता दूं। और जितने भी साथियों कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। साथियों सबसे पहले इसकी साथियों पहचान देख ले आप, पहचान पर जिक्र कर रहा हूं इसको, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या हुआ होगा, हुई होगी, ये आदि शब्द आते हैं। साथियों यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या हुआ होगा, हुई होगी आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो ये रही पहचान। अब मैं इसके और रूल्स के बारे में आप लोगों को बता दूं। रूल्स देख लीजिए जल्दी से। रूल्स नंबर वन में साथियों, मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिक्र कर रहा हूं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होगी। ठीक साथियों, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की विल बी या शैल बी है। तो साथियों शैल बी का यूज आई और बी के साथ करना है। यदि सब्जेक्ट आई या बी है सेंटेंस में तो साथियों आपको शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और यदि आई और बी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, जैसे कि ही है या सी है या इट है या एनी नेम है, किसी भी का नाम है, या टू नेम है, दो नेम है किसी के, या फिर यू दे इस प्रकार से, माई फादर, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, इस प्रकार से भी यदि, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, इन सभी कर्ताओं के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे साथियों, विल बी का यूज करेंगे। समझ आ गया साथियों हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आपको साथियों टेंसेस के बारे में अच्छे से यदि नॉलेज रहना है तो सबसे पहली जो बात है वो आपको आना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, इन सारी चीजों का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे करें इसका पता। दूसरी बात, आपको प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और पहचान भी पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये था मैंने अभी आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। दोस्तों समझ आ गया हेल्पिंग वर्ब के बारे में, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई, विल बी और शैल बी, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं साथियों मेन वर्ब के बारे में बता रहा हूं आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा हूं। जितनी भी कंटिन्यूअस टेंस है साथियों, उसमें वी फोर का यूज किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V1 के साथ ing का यूज, मेन वर्ब के साथ ing का यूज, मुख्य क्रिया का चौथा रूप, उसे बोलते हैं साथियों मॉडर्न इंग्लिश में, ये यूज किया जाता है। बस साथियों इसके ऐसे दो ही रूल थे। अब मैं सबसे पहले वाले सेंटेंस के बारे में जिक्र कर लेता हूँ साथियों, सिंपल सेंटेंस, जल्दी से आप देख लें और लिखते चले कॉपी में अपनी। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा साथियों क्या, सबसे पहले विल सब्जेक्ट होगा, इधर विल शैल लिखेंगे, बी लिखेंगे, वी फॉर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये साथियों। एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई भी, वह चाय पी रहा होगा, वह चाय पी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा साथियों। वह चाय पी रहा होगा, ये सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं। तो ही विल वी पीना, यानी कि टेकिंग चाय के लिए साथियों टेक का यूज करते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में चाय को पीते नहीं, लेते हैं, इसे टेक का यूज करते हैं। चाय, नाश्ता तथा दूध यानी मिल्क के लिए टेक वर्ब का यूज करते हैं साथियों। और पानी, कोल्ड ड्रिंक्स तथा एल्कोहल यानी शराब के लिए ड्रिंक का यूज करते हैं साथियों। तो ही विल बी टेकिंग टी, ये है सिंपल सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप तमाम सेंटेंस बना लें। उसके बाद साथियों सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपको विल शैल के बाद नॉट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वे कम नहीं कर रहे होंगे, नहीं आ गया इसमें साथ ही नॉट आया, दे सब्जेक्ट है, विल नॉट बी करना, डूइंग वर्क, जी हाँ साथियों ये रहा नेगेटिव सेंटेंस आपका। इसके साथ ही आप इसी स्ट्रक्चर के आधार पर तमाम सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद अब साथियों नंबर थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोग साथियों क्या करते हैं, सबसे पहले विल और शैल का यूज, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बी बी फोर ऑब्जेक्ट का वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। साथियों मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो बात होते हैं, उन सभी सेंटेंसों में जिस टेंस का भी वो सेंटेंस होगा, जिस चीज का भी हो, उसके सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ये जरूरी है, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते साथी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये इंटरोगेटिव है, एग्जांपल्स देख लें साथियों, क्या हम पत्र लिख
रहे होंगे, क्या हम पत्र लिख रहे होंगे, तो बी के साथ सेल सेल वी राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ये रहा साथियों इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस मैंने बना दिया, अब आप इसके अनुसार तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब साथी चलेंगे नंबर फोर वाले सेंटेंस पर। नंबर फोर सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। साथियों इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगी और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे, बाकी आपको ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर लिखना है। एग्जांपल्स देख लें, क्या सीमा अपना काम नहीं कर रही होगी। ये साथियों नेगेटिव साथ में तो नॉट भी आना है और इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आना। साथियों हेल्पिंग वर्ब पहले एक नाम है तो विल सीमा बी सॉरी यहां पर नॉट लिखना है बी फिकरना डूइंग अपना काम यानी कि हर वर्क क्वेश्चन मार्क। विल सीमा नॉट बी डूइंग हर वर्क, ये साथियों रहा नंबर फोर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। अब साथियों अगला सेंटेंस होगा साथियों डबल इंटरोगेटिव INTEROGATIVE डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ साथियों ये है नंबर पांचवा सेंटेंस टेंस में, तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड होगा, डब्ल्यू एच वर्ड जिससे में डब्ल्यू और एच आते हैं, ये आप पिछली क्लासेस में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप वीडियोस की लिस्ट में जाइए और डब्ल्यू एच वाले जितने फैमिली डब्ल्यू एच फैमिली में जितने भी सदस्य हैं यानी कि जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड है साथियों उन सब के बारे में आप बहुत ही डिटेल से आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियोस की लिस्ट में जाइए, डब्ल्यू एच फैमिली लिखा है तो आप वहां पढ़ सकते हैं। डब्ल्यू और एच आने से इनका नाम डब्ल्यू एच वर्ड रख लिया हम लोगों ने, ठीक है साथियों। तो डब्ल्यू एच वर्ड होगा पहले विल सेल प्लस यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पे बी होगा। ये हो गया नंबर पांच में सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देख लो अब, वह खेल कैसे खेल रही होगी, वह खेल कैसे खेल रही होगी। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का हाउ माने कैसा कैसी या कैसे, हाउ विल शी वी प्लेइंग अ गेम। ये साथियों समझ आ गया नंबर पांच का सेंटेंस, नंबर पांचवा सेंटेंस समझ आ गया ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये था नंबर पांच जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेल सब्जेक्ट बी वी फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब चलिए साथियों जल्दी से आप लोग लिख लें नंबर छठवा सेंटेंस जिसका नाम है डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। लीजिए साथियों ये है नंबर छठवा यानी कि लास्ट वाला सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको साथियों, यहां पर नॉट लगा दें कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया बी बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड बिल सेल सब्जेक्ट के बाद नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, लीजिए लगा दिया। एग्जाम्पल ले लीजिए,
ये वाले दे हम वाले लिखते हैं, बी वाला लिखते हम अपना गृह कार्य कैसे नहीं कर रहे होंगे। लीजिए, तो कैसे, हाउ सेल वी नॉट बी डूइंग आवर होमवर्क। लीजिए साथियों, ये रहा नंबर छठवां सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ क्लास यहीं तक समाप्त करता हूं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ आ गया साथियों? यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और साथियों फिर एक बार दोबारा आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर चैनल्स को, ताकि आप लोगों को नए वीडियोस के फनी हर प्रकार के जिस नए मैं वीडियो डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, बिल्कुल टाइम टू टाइम। ठीक है साथियों, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। ठीक है साथियों, कल मैं फिर मिलूंगा इसी टाइम। ओके।